मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के बालिकाओं एवं महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की रोकथाम और उनकी सुरक्षा के लिए सम्मान अभियान शुरू किया है। इसी अभियान को जनता के बीच लाने के लिए अशोकनगर पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने एक हस्ताक्षर अभियान अपने दफ्तर के बाहर शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि लोग महिला सुरक्षा के लिए आगे आए। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बाद अब महिला सम्मान अभियान शुरू हुआ है। इसी कड़ी में अशोकनगर के पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। उन्होंने अपने दफ्तर के बाहर एक बैनर लगाकर महिला सुरक्षा के लिए सबसे पहले हस्ताक्षर किए हैं। इस अभियान की शुरुआत करने के दौरान पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार सम्मान अभियान को जनता के बीच ले जाया जा रहा है। एसपी भदौरिया ने अशोकनगर जिले के नागरिकों से अपील की है कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने में समाज को आगे आना चाहिए। इसी उद्देश्य से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है ताकि महिलाएं एवं बच्चियों की सुरक्षा के लिए सरकारी दायित्व के साथ साथ नागरिक कर्तव्यों को भी इस दिशा में सामने लाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार जो महिलाओं का सम्मान कार्यक्रम चल रहा है और इसके तहत हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान जो है हमारी संस्कृति है और उनकी सुरक्षा पुलिस का परम कर्तव्य है और उसको हम किसी भी तरह कितनी भी परेशानियां हो हम उसका पालन करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। साथ ही साथ हम समाज को भी जागरूक करना चाहते हैं कि आज के ज़माने में हालांकि हमारी संस्कृति में महिला की सुरक्षा निहित है लेकिन आज के ज़माने में इंटरनेट के ज़माने में कुछ अपराध बढ़े हैं, इस प्रकार के अपराध घिनौने अपराध बढ़े हैं जिस पर नियंत्रण के लिए समाज का सहयोग बहुत आवश्यक है। जब समाज आगे आएगा, जब समाज महिलाओं की सुरक्षा के लिए ढाल बन के खड़ा होगा, एक असली हीरो के रूप में खड़ा होगा उसको बचाने के लिए, तब जाके जो है ये हिंसा रुकेगी। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।